मैं तो हूँ बंदा परवरे दो जहाँ, अरे माँ सेवा आपके है चहे अम्बिया और इमाम रसूला हुआ कौन है। अरे चहे बहरोबर फकर जिन्नो बशर, आप जैसा जहाँ में हुआ कौन है, और नबियों के भी है सही पे मगर मिसल कुरआन सहीफा हुआ कौन है। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद माबिल तुझे बलकर वाला रही बात पाली की बबाल पसंद दी सला तुम सलाम डले चया रसूलुल्लाह सला तुम सलाम डले चया हुई सर। मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा फिर दुरूद शरीफ। ये कहाँ से ले गए शेख खान साहब? शेख खान कहाँ गए? रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा फिर मोहब्बत से दुरूद शरीफ। सलातुम सलाम अलैकुम। अल्लाह के प्यारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम सारे जहां के लिए रहमत बनकर इस दुनियाए पानी में तशरीफ लाए। अमनो आशी का पैगाम लेकर दुनिया को सुकून और करार बख्शने के लिए, अहले ईमान को जन्नत का परवाना देने के लिए, आशिकाने इस्लाम को दोजख से नजात दिलाने के लिए, आप अपनी मेल मोहब्बत मोहब्बत और आफत का सबक पढ़ाने के लिए सैकड़ों और हजारों साल से होने वाले आपसी कौमी झगड़े को दूर करने के लिए, लोगों को ईमान की रोशनी अता करने के लिए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस सरजमी ने गेती पर तशरीफ लाए। और अल्लाह के प्यारे रसूल सज्जदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने से लोगों ने मोहब्बत का पैगाम लिया। आपसी भाईचारा कायम किया। और अल्लाह के प्यारे रसूल सज्जदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तर्ज जिंदगी से लोग इस कदर मुतासिर हुए कि मुस्तफा जाने रहमत को लोगों ने बचपन से ही अमन का दाई अमीन सादिक नेक और शरीफ कहना शुरू कर दिया। मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तर्ज जिंदगी ऐसी बेमिसाल कि दुनिया में कोई उसकी मिसाल पेश ही नहीं कर सकता। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात ऐसी बरकत वाली
कि नबी जहां बैठे बरकत हो, जिधर से गुजरे बरकत हो, जहां सो जाए बरकत हो, गुफ्तगु कर दे तो बरकत हो। जिस मुल्क में चले जाए वहां बरकत हो, जिस कारोबार में शिरकत कर ले वहां बरकत हो, जिस सफर में चले जाए उस सफर में बरकत हो। अल्लाह के प्यारे रसूल सज्जदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम की उम्र पाक 25 साल की, हजरत खदीजतुल कुबरा बहुत बड़ी तजारती कारोबारी, आप का गुलाम मैसा, मुल्क शाम हजरत खदीजतुल कुबरा के माल की तजारत के लिए जा रहा था। नबी कौनैन शरीफ हुए तो सफर में बरकतें हो गई, कारोबार में बरकतें हो गई, माल में बरकतें हो गई, और इस सफर में नबी जहां बैठ गए वहां बरकतें हो गई। नबी जिस कलीसे के पास बैठे, जिस राहिब के पास बैठे, जिस पादरी के पास बैठे, उसने नबी का चेहरा देखा, नबी की आंखें देखी, नबी के तरबे मुकद्दसा को देखा तो बेसाख्ता कह दिया ये तो रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह के रसूल हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बरकत ही बरकत हुई, रहमत ही रहमत हुई। वापस हुए बहुत पहले एक मकाम पर पड़ाव हुआ, हजरत सैयदना सिद्दीक के अकबर के साथ हैं। आपने मैसरा से कहा कि इस सफर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफीक रहे, साथ रहे तो बरकत ही बरकत हो गई, मुनाफा ही मुनाफा हो गया। मोहम्मद अरबी को हजरत खदीजा के पास पहले भेज दो खुशखबरी की खबर देने के लिए, कह दो सुभान अल्लाह। अबू जहल था, अबू जहल ने कहा उम्र कम है, रास्ता भी दूर है, मुसाफत ज्यादा है, कहीं राह भटक न जाए। मैसरा ने कहा राह तो दूर है, रास्ता दूर है, मुसाफत काफी है, लेकिन अब उनको ज्यादा है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जी लगा लीजिए। मसला ने कहा अकल तो ज्यादा है, अबू जहल ने मना किया, मसला ने सुनी अनसुनी कर दी, मोहम्मद अरबी को भेज दिया। अल्लाह के नबी मुझ पर बैठे चले, थोड़ी ही दूर चले थे आग लग गई, आग लग गई, ऊंट इधर से उधर हो गया, रास्ता उठ भटका, हजरत जिब्रील फौरन आ गए। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया कि मेरे महबूब के ऊंट को सही राह पर लगा दो, और रास्ता 3 दिन का है, 3 दिन का रास्ता 1 दिन में तय करा दो। हजरत जिब्रील आ गए, ऊंट को रास्ते पर लगा दिया, और तेजी इतनी आई कि 3 दिन का रास्ता 1 दिन में तय हो गया। अल्लाह के नबी मैसरा का सपने करके हजरत खदीजा के पास पहुंचे, सबसे किया खदीजा ने जवाब दिया, जवाब लेकर के मुस्तफा फिर उसी दिन वापस आ गए। दूर ही से अबू जहल ने जब मेरे आका को आते हुए देखा मुस्कुराने लगा, मैं कह रहा था ना
देखो रास्ता भटक गए वापस आ गए, रास्ता भूल गए वापस आ गए। जब अबू जहल ने इतना कहा तो हजरत सय्यदना अकबर को तकलीफ हुई, मैसरा को भी तकलीफ हुई, लेकिन जब अल्लाह के प्यारे रसूल मैसरा के पास आए तो हजरत खदीजा का जवाब नाजुक कर दिया। जाने तुम्हारा हक मैंने वहां पहुंचा क्या जवाब भी लेकर के आ गया। अब अबू जहल का बच्चा अबू जहल सल्ला के जरिए क्या हुआ, मैं तो इसे मान ही नहीं सकता, मैं तो इसे मान ही नहीं सकता। मैं सराने का तुम मानो या न मानो, लेकिन ये मोहम्मद है, ये रास्ता भटक नहीं सकते हैं, रास्ता भटकने वाले अबू जहल तुम हो। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के नबी सज्जदे कौने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ये काफिला वापस हुआ और मैसरा ने सारे हालात बताए, हजरत खदीजा के दिल में भी मोहब्बत पैदा हो गई, इज्जत पैदा हो गई, अज़मत पैदा हो गई। मुस्तफा 25 साल के हैं और खदीजा बेवा है 40 साल की है। अल्लाह के नबी ने निकाह फरमा दिया, और बेवा का मर्तबा बुलंद कर दिया। अब तक बेवा मनहूस समझी जाती थी, लेकिन मुस्तफा ने बेवा से शादी करके बेवा का रुतबा बुलंद कर दिया। यही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का रवाज था, बेवाएं अपने मरने वाले शौहर के साथ जला दी जाती थी, उनका चेहरा देखना लोग मनहूसत से ताबीर करते थे। बेवा बहुत ही मनहूस संदीदा की थी, लेकिन ये मेरे प्यारे मुस्तफा है, कैसे सुभान अल्लाह, ये मेरे प्यारे मुस्तफा है। कौन कहता है कि इस्लाम ने औरत के साथ जुल्म किया है, कौन कहता है कि इस्लाम ने औरत के साथ नाइंसाफी किया है। औरत के साथ इस्लाम ने नाइंसाफी नहीं किया है, बल्कि इस्लाम ने तो औरत का मर्तबा बढ़ा दिया है। मैं कहता हूं आज दुनिया को देखो, अमेरिका को देखो, लंदन को देखो, पेरिस को देखो, चीन को देखो, रूस को देखो, यहां की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को देखो, कोई बिस्कुट बनाता है, कोई साबुन बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, अपने माल की ज्यादा सप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, बोलो बोलिए ना, क्या करते हैं, औरत की तस्वीर बिस्कुट के ऊपर, औरत की तस्वीर साबुन के लेबल पर, औरत की तस्वीर तमाम चीजों पर लोग देखें, उसकी तरफ मायल हो, ज्यादा करीब है। आपने ले लिया बिस्कुट, लिया बिस्कुट तो खा लिया, लेकिन जिस कागज पर तस्वीर बनी है फेंक दिया, बोलो फेंक तो नहीं देते हो, कोई नाली में फेंक देता है, कोई कूड़े में फेंक देता है, कोई पैरों से कुचल देता है ना। साबुन हो, इसमें पाउडर हो, या कोई भी चीज हो, चीज तो इस्तेमाल कर देते हो, लेकिन तस्वीर वाले कागज को आप पैरों से ठोकर मार देते हो। अरे आपको शमी मुस्तमा कहता है औरतों को इज्जत के मकाम के देने का दावा करने वालों, तुमने औरतों को मकाने भरन नहीं दिया है, औरतों की तस्वीर बना करके तुमने उनको अपने कदमों के नीचे लगा दिया है, कदमों की ठोकर में लगाया है, लेकिन ये मेरे मुस्तफा है, तुम तो कदमों की ठोकरों में डालते हुए हो, लेकिन ये मेरे आका है। औरत को मकाम में अब्बा दे करके, मकाम में माँ दे करके मुस्तफा जाने आलम औरत को मकाम में जन्नत बता करते हैं। तुमने औरतों को अपने कदमों की ठोकरों में लगा दी है, लेकिन मेरे मुस्तफा ने औरतों के पैरों के नीचे हमारे लिए जन्नत अता कर दिया है। मेरे बुजुर्गो दोस्तों, ये मेरे आका है, सज्जदे कौनैन है, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमत वाले आका है। यहां से बोलो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को उठाओ, प्यार से कहो
जब 40 साल की उम्र के करीब पहुंचे, अब मुस्तफा तन्हाई पसंद करने लगे, मक्के से बाहर जाने लगे। अब वही आने वाली है, कह दो सुभान अल्लाह। हम लोग ऊपर के ऐलान करने का हुक्म मिलने वाला है, हजरत जिब्रील उतरने वाले हैं, नबी मक्के से बाहर चले जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। और फिर जब वही के उतरने का वक्त करीब हुआ तो अल्लाह के नबी बार बार ख्वाब देखने लगे। तेरे मुस्तफा का ख्वाब सच्चा, जो मुस्तफा देख ले वो सच्चा हो जाए, जो मुस्तफा देख ले वो हकीकत बन जाए। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह के नबी गारे हेरा में जाने लगे और गारे हेरा में बार बार जाने लगे, और जाने लगे तो फौरन आने नहीं लगे, बल्कि कभी कभी दो लोग रह जाते, कभी कभी तीन लोग रह जाते, कभी कभी चार लोग रह जाते। कई कई रोज मुस्तफा जाने रहे, बतारे हेरा में रह जाते हैं। अब वक्त करीब आ गया है, कैसे दोबारा का अब वक्त करीब आ गया है, हजरत जिब्रील के उतरने का वक्त आ गया है, वही के आने का वक्त आ गया है। मुस्तफा जाने आलम गारे हेरा में जा रहे हैं और बार बार जा रहे हैं, गारे हेरा में कई रोज रह जा रहे हैं। रमजान में मुकद्दस का महीना आ गया, नबी कौनैन गारे हेरा में तकिया लगाए हुए जलवा फरमा है। अगर पुलिस का हुक्म हो गया, जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ, हजरत जिब्रील आ गए अल्लाह के नबी की बारगाह में। एक हो रहा कहते सुभान अल्लाह, क्या बोलो सुभान अल्लाह। एक हो रहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नबी फरमाते मैं पढ़ने वाला नहीं, कहते सुभान अल्लाह। अब कोई कहे कि नबी पढ़े हुए नहीं इसलिए पढ़ने वाले नहीं, लेकिन अक्ल से काम लो, नबी फरमाते मैं पढ़ने वाला नहीं, मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर का एक हो रहा मैं पढ़ने वाला नहीं, एक हो रहा अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं। तो हजरत जिब्रील कहते हैं कि कुरान जिसने रखी कल नबी खलक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे महबूब खुदा अपने रब के नाम से पढ़ो, चलते ये रब का नाम लिया तो मुस्तफा पढ़ने लगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलते ये रब का नाम लिया तो मुस्तफा पढ़ने लगे। मेरे बुजुर्गो दोस्तों, अब जाहिर सी बात है पहली बार वही आई है, नबी के जिस पर का कभी आई है। वापस आए हजरत खदीजा के पास, कहा रहे हैं हजरत खदीजतुल कुबरा ने कम्बल ओढ़ा दिया, परेशान ना हो, आपका रब आपको जाहिर न करेगा। ये नबूवत का मामला मालूम पड़ता है, ये रसालत का मामला मालूम पड़ता है। अल्लाह के नबी सच्चे कौलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही से इब्तिदा के पड़ा से शुरू हुई। याद रखिएगा ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, नबी पर वही की इब्तिदा किससे हुई? दो से बोलो, दो से बोलो, एक से पढ़ो 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 मियां, वही की इब्तिदा एक से हो रही है, पढ़ने से हो रही है। तो इसी से पढ़ाई का मरतबा समझ में आता है, इसी से इल्म का मरतबा समझ में आता है। शबीब समय यही कह दे कि आए मुसलमानों, तुम दुनिया में अगर साहेब इज्जत होना चाहते हो तो पढ़ो, साहेब शान होना चाहते हो तो पढ़ो, साहेब मरतबा होना चाहते हो तो पढ़ो। पढ़ोगे तो हिंदुस्तान में भी बुलंद हो जाओगे, अजमत पा जाओगे, इज्जत पा जाओगे। जो तुम हिंदुस्तान में पीछे ढकेले गए सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे अंदर से तालीम दूर हो गई, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने भाइयों को पढ़ाओ, पढ़ाई पर जोर दो और सुन लो, कम खाओ कम पहनो लेकिन तालीम पर ज्यादा खर्च करो, तालीम रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन मुसलमानों को
मुसलमानों के मोहल्ले में चले जाइए, वकील साहब ये हमारे अब्दुल मजीद रोके हाई कोर्ट के वकील हैं हैदराबाद के, आज माशाल्लाह ये अपने साथियों के हमरा हमारे अच्छे साहब है अब्दुल तकीर साहब, इन बेचारे मोहब्बत में मुलाकात के लिए आए, शानदार वकील है और इंशाअल्लाह ताला के जज होने वाले हैं मेरे बुजुर्ग, अल्लाह ताला फज़्ल फरमा। मुसलमानों के मोहल्ले में जाओ, इधर समोसा, इधर चॉकलेट, इधर पकौड़ी, उधर पकौड़ा नहीं है, बोलिए खा ले तो प्रसाद। अरे लोगो खाओ, मनी के तमत खाओ खाओ, मैंने तो पहले बता दिया था, परसों नरसों बता दिया था कि नबी की सुन्नत के मुताबिक खाओ, नबी ने तो तीन उंगली से खाने का हुक्म दिया है, खाते थोड़ा खाओ थोड़ा खाओ थोड़ा खाओ, ज्यादा पढ़ो ज्यादा पढ़ाओ, पढ़ाई यहां भी काम आएगी वहां भी काम आएगी, दुनियावी तालीम भी हासिल करो मजहबी तालीम भी हासिल करो, अंग्रेजी भी पढ़ो हदीस और कुरान भी पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, सलातुल्लाह सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुल्लाह सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, वही नाजिल हुई, अल्लाह का हुक्म हुआ है मेरे प्यारे मुस्तफा अब अपनी नबूवत का ऐलान करो, फारान की चोटी पर आता एक कायना तशरीफ ले गए, या माशरे कुरैश आबाद किया, लोग इकट्ठा हो गया, मेरे नबी ने फरमाया तुम पहाड़ के नीचे हो मैं पहाड़ के ऊपर, अगर मैं तुमसे कहूं कि इधर एक फौज है जो तुम पर हमला आवर होना चाहती है क्या मानोगे, एक जबान होकर सबने कहा आप अमीन हैं आप सादिक हैं, आप तो कभी झूठ बोले ही नहीं, आप जब कहते जहां कहते हम जरूर मान लेंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हें तुमसे ये कहता हूं कि खुदा ने तुम्हें जहन्नम से बचाने के लिए जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए मुझे अपना नबी बना करके, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, अल्लाह एक है अल्लाह एक है, मैं तुम्हें वहदानियत की जानिब दावत देता हूं, मेरी नबूवत का इकरार करो और कलमा पढ़ो, जैसे ही मेरे पापा ने इतना कहा सब भीतर गए, सब भीतर गए, अल्लाह के प्यारे रसूल की जान के दुश्मन हो गए, मेरे मुस्तफा को तरह तरह से सताया जाने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हरम शरीफ से नमाज पढ़ रहे थे, अबू जहल ने अपनी कौम को इकट्ठा किया, कहा देखो मोहम्मद हम लोगों के सामने आगे बढ़ता जा रहा है, अपने इस्लाम का प्रचार बढ़ाता जा रहा है, हमने आकर के अगर उसने नमाज शुरू की तो मैं एक पत्थर से उसका सर कुचल दूंगा, तुम लोग मेरा साथ दोगे, तुमने कहा हम सब साथ हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल तशरीफ लाए हरम शरीफ में गए नमाज की नियत बाजी, कैसे तुम्हारा मेरे नबी ने नमाज शुरू की और मुझे पत्थर उतारा आगे बढ़ा, जैसे ही अल्लाह के प्यारे रसूल के करीब पहुंचा काम गया वापस हो गया मुंह तक गया मुझे तक गया, जो क्या हुआ कारण में जैसे ही गया तो मैंने क्या देखा कि ये मूड बहुत जबरदस्त है, मुंह फाड़े हुए अगर मैं करीब गया तो मुझे वो खुद कुचल देगा, वापस हो गया, मेरे आका की शान बहुत बुलंद है, बहरहाल हर तरीके से मुखालिफत होती रही, अल्लाह के नबी को दीवाना कहा गया, पागल कहा गया, मजनू कहा गया, लड़कों को पीछे लगाया गया, अल्लाह के नबी को हर तरीके से सताया गया, लेकिन इस्लाम का परचम बुलंद ही होता रहा, इस्लाम में शैतानी बढ़ते ही रहे, आखिर एक वक्त आया
کفار قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جس قدر بھی مخالفت اور دشمنی کر رہے ہیں ماننے والے ان کے بڑھتے جا رہے ہیں, ان کا پرچم لہراتا جا رہا ہے, اب کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں مشورہ کیا تو مشورہ یہ ہوا کہ یمن کا والی حبیب یمنی ہے اور حبیب یمنی کے احسانات یہاں کے لوگوں پر بہت زیادہ ہیں, جب ہم لوگوں سے باتیں نہیں بن پا رہی ہے تو ایسا کیا جائے کہ یمن میں یہ خبر وہاں کے والی حبیب کو دے دیا جائے, حبیب یمنی کو بلا لیا جائے. بھائی صاحب, او بھائی صاحب, حبیب یمنی کو بلا لیا جائے, حبیب یمنی آ جائے, اور اگر حبیب یمنی آ کر کے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکے گا تو لوگ ضرور اس کی باتیں مان کر کے اسلام میں داخل ہونے سے رک جائیں گے, مسلمان بننے سے رک جائیں گے. بہرحال ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا, مشورہ کر کے یمن کے والی حبیب یمنی کے پاس خبر بھیج دی. حبیب یمنی کے پاس ابو لہب کا ایک قاصد, ابو جہل کا قاصد پہنچا, ساری خبر بتائی. حبیب یمنی تیار ہوا, تیار ہو کر کے چلا مکہ, آ گیا مکہ, آیا مکے میں پہنچا ابو جہل کے پاس. وہاں ابو لہب بھی ہے, فتبا بھی ہے, شہبہ بھی ہے, بہت سارے کفار مکہ اور مشرکین عرب موجود ہیں. حبیب یمنی ان کی مجلس میں پہنچا, حالات دریافت کیے. ابو جہل نے سارے حالات بتائے, ابو لہب نے حالات بتائے, سارے معاملات جب سن لیے تو حبیب یمنی کہتا ہے, سنو, میں تمہاری زبانی تمہاری گفتگو سن لی. محمد بن عبداللہ کے مطابق تم نے سارے حالات سے مجھے مطلع کر دیا, لیکن ابھی تو صرف ایک جانب سے گفتگو میں نے سنی ہے. تم نے بتایا کہ محمد بن عبداللہ نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ایک خدا کی عبادت کی جانب لوگوں کو بلا رہا ہے, بتوں کی مخالفتیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ تمہاری زبانی ہے گفتگو, میں نے صرف تمہاری زبان سے ایک طرفہ سنی ہے, اور ایک جانب کی گفتگو کو سن کر کے کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. ایک طرفہ گفتگو سن کر کے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. مجھے اجازت دو, میں محمد ابن عبداللہ سے بھی ملاقات کر لوں, محمد ابن عبداللہ سے بھی گفتگو کر لوں, محمد ابن عبداللہ کی باتیں بھی سن لوں. جیسے ہی حبیب یمنی نے اتنا کہا, ابو جہل کا ماتھا ٹھنک گیا, اب انہیں سناٹے میں آ گیا. اس لیے کہ ابو جہل جانتا تھا کہ محمد ابن عبداللہ کی وہ ذات ہے کہ جو ان کی باتیں جن سے سن لیتا ہے وہ الٹا ہو کر کے رہے گھبرا گیا. لیکن بات تو بہت معقول تھی کہ ایک طرف کی باتوں کو سن کر فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ جانبین کی گفتگو نہ سن لی جائے, دونوں طرف کی باتیں نہ سن لی جائے تب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. بات معقول تھی, اب جہل مجبور ہو گیا, کہتا ہے حبیب یمنی تم محمد سے ملنا چاہتے, محمد سے عبداللہ سے ملاقات کرنا چاہے تو ٹھیک ہے کر لو, ان سے باتیں کرنا چاہے تو کر لو, لیکن دیکھو ذرا اپنے دل کو سنبھالے. حبیب یمنی نے کہا ابو جہل تم سمرو سمراؤ, میں سمرا سمرا جاؤں. ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے ملاقات کر لو. حبیب یمنی نے ایک آدمی کو اپنا قاصد بنایا اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انہوں نے بھیجا اور کہنے والا کہ اے محمد میں یمن کا والی ہوں, یمن سے آیا ہوں, آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں, آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی حبیب یمنی کا قاصد اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں پہنچا تو میرے آقا اپنے رفیق غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں, میرے صدیق کہہ دو سبحان اللہ, حبیب یمنی یمن کا والی ہے, یمن سے آیا ہے, مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اے صدیق, وہ یمن کا والی ہے, مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے, قاصد کو بھیجا ہے, اب چلو ہم خود ہی اس سے ملاقات کریں. اللہ کے نبی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو
हबीबी अम्मी के पास जब मेरे मुस्तफा आए तो वहां अबू जहल भी मौजूद है, अबू लहब भी मौजूद है, फतमा भी मौजूद है, शैबा भी मौजूद है, तमाम कुफ्फारे मक्का और मुशरिकीन अरब मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल जैसे ही अबू जहल और अबू लहब की इस मजलिस में आए हैं तो पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। नबी के आने से हैबत तारी हो गई, मेरे मुस्तफा के आने के बाद किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लग ही ना सके, किसी में तब खुशाई की जुरहत नहीं हुई। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए हैं, अब कोई बोल नहीं पा रहा है, खामोशी तारी है, सन्नाटा तारी है। कुछ देर के बाद मेरे सरकार खुद ही इशारा फरमाते हैं, हबीबे यमनी तूने मुझे बुलाया है, हाँ तूने मुझे याद किया है, मैं आ गया, बोलो क्या बात करनी है, क्या पूछना चाहते हो मुझसे, क्या इजाजत करना है, क्या गुफ्तगु करनी है। अब हबीबे यमनी की जबान सुनी, हबीबे यमनी ने कहा मोहम्मद मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया, आप रिसालत के दावेदार हैं। अल्लाह के नबी शाह बोला हां है हबीबे यमनी, मुझे खुदा ने अपना नबी बना करके, मैं लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह का रसूल बन करके आया हूं, लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए, जन्नत की दावत देने के लिए धरती पर आया हूं, अल्लाह ने मुझे अपना पैगंबर बना करके भेजा। मेरे आका ने इतना कहा, हबीबे यमनी फौरन कहता है अरे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आप नबूवत के दावेदार हैं, खुदा ने आपको अपना रसूल बना करके भेजा है, अपने दावे में कोई दलील भी आप रखते, आपका यह दावा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, इस दावे में कोई दलील आपके पास है, क्या चाहते हो बोलो, क्या चाहते हो। अरे मोहम्मद कितने अब्दुल्ला, आप नबूवत का दावा कर रहे हैं, पिछले नबियों ने जब नबूवत का दावा किया था तो उन्होंने दलील में कोई ना कोई मौजजा दिखाया था, आपके पास भी कोई मौजजा है, अपने नबूवत के दावे की दलील में कोई मौजजा आप भी रखते हैं। मेरे आका सरवर कौनो मका रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वली वसल्लम इशारा फरमाते हैं, आए हबीबे यमनी, हां हां मैं भी दलील रखता हूं, नबूवत के दावे में मेरे पास भी दलील है, तुम क्या देखना चाहते हो। पिछले नबियों ने नबूवत का दावा किया था तो उन्होंने कोई ना कोई मौजजा दिखाया था, मैं भी मौजजा लेकर के आया हूं, क्या देखना चाहते हो। हजरत आदम ने नबूवत का दावा किया, एक मौजजा दिखाया, पिछले नबियों ने नबूवत का दावा किया तो उनके पास किसी के पास एक मौजजा, किसी के पास दो मौजजे, किसी के पास तीन मौजजे, चंद मौजजे लेकर के आए थे। लेकिन आए हबीबे यमनी सुन, अरे तू जो मौजजा चाहे मैं तुझे दिखा दूं, मैं तो मौजजा का जामे बन करके आया हूं। आदम ने नबूवत का दावा किया, एक मौजजा दिखाया, जिस ने नबूवत का दावा किया, एक मौजजा दिखाया, हारून ने नबूवत का दावा किया, एक मौजजा दिखाया, दाऊद ने नबूवत का दावा किया, एक मौजजा दिखाया, यूसुफ ने नबूवत का दावा किया, एक मौजजा दिखाया, इस्माइल ने नबूवत का दावा किया, चंद मौजजे दिखाए, इब्राहिम ने नबूवत का दावा किया, चंद मौजजे दिखाए, ईसा ने नबूवत का दावा किया, दो चंद मौजजे दिखाए, मूसा ने नबूवत का दावा किया, दो चंद मौजजे दिखाए, कितने नबियों ने नबूवत का दावा किया, तो उन्होंने एक दो मौजजे दिखाए हैं। लेकिन अभी मैं व्यक्ति सुन ले, मैं तो मौजजा का जामे बन करके आ रहा हूं, बल्कि मैं सराटा मौजदा हूं। क्या कहता है बोल, क्या दिखाऊं बाबा,
तेरी क्या तमन्ना है आज तक हबीब जंगी तू अपने तृप्ति पाकर बताओ मुझे खाने के लिए तैयार अल्लाह के नबी ने जब इतना फरमाया हबीब जंगी ने कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आप मौजूदा दिखाए बोल मोहब्बत से बोलो बोल क्या देखेगा बोल क्या देखेगा आए लोगों ध्यान हाथ में रखिए शमीम समाज से पूछता है ये कौन कहेगा कि बोल क्या देखेगा ये कौन कहेगा कि बोल क्या देखेगा जो सारे जहां का इख्तियार रखता हो जो सारे जहां का माल को नुकसान होगा इमाम साहबुल्ला इधर तवज्जो है तो मैं मिल सर जी आपकी तवज्जो से तो मैं बोलूंगा आप इमाम साहब बरकत वाले हमारे इमाम साहबुल्ला बहुत सीधे साधे अल्लाह ताला इन पर फज्ल फरमाए इनकी मोहब्बतें लोगों में लोगों की मोहब्बतें इनमें ज्यादा से ज्यादा होती है ये कौन बोलेगा कि बोल क्या देखेगा जो तू कह दे मैं दिखा दूं वही बोलेगा जो सारे जहां का मालिक को मुख्तार हो अल्लाह के नबी ने फरमाया अभी भी हमने बोल क्या देखेगा बोल तेरे दिल में क्या है बोल तेरे दिल की तमन्ना क्या है बोल तेरे दिल की आरजू क्या है हबीब जमनी ने कहा ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अगर आप मौजदा दिखाने के लिए आमादा हैं तो मैं चाहता हूं चौदहवीं रात है बोल बोलो चौदहवीं रात का चांद है आसमान पे चमक रहा है सच्चे नबी आप हैं नबूवत में सच्चे हैं दावे में हक पर हैं तो मेरी ख्वाहिश है आप चमकते हुए चांद को दो टुकड़े में तस्लीम कर अबू जहल हंसने लगा अबू जहल पुराने लगा उत्पा और शैतान खाना किसकी करने लगी हमारा दिल तो अब तक पहुंचा ही नहीं था हमने तो कभी आसमान के बारे में सोचा ही नहीं था हम तो जमीन की बातें करते थे अभी पे जमीन में अच्छा फंसाया है चाह की बात कर दिया है और जादू तो जमीन पर चल सकता है आसमान पर चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता ठीक फंसाया अभी पे जमीन में अच्छा फंसाया लेकिन उसे क्या मालूम कि नबी फंसने के लिए नहीं नबी तो फंसे ऊपर को छुटकारा दिलाने के लिए उसे क्या मालूम कि नबी जहन्नम में फंसने वालों को जन्नत देने के लिए तशरीफ लाए मेरे आका ने फरमाया हबीब यमनी चांद को तोड़ दू प्यार से बोलिए मोहब्बत से बोलिए चांद को तोड़ दू दो टुकड़े कर दू हा कर दीजिए मान लोगे कर दीजिए मान लोगे मान लोगे कर दीजिए अल्लाह के नबी ने कहा चलो चलो जिन लोगों ने हक किया है हाजी साहब उन्होंने देखा है कि सपा पहाड़ी की जानिब से जब बाहर निकलिए तो जब देखो को ऐसा है एक ऊंचा का पहाड़ है और जिस पर शाह महल ने अपना महल बनवाया है वही जब देखो कुबर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया चलो जब ने वो खूब बहस पे चलो ऊंची पहाड़ी वहां की वही अल्लाह के नबी जब ने वो खूब बहस पे चल गए मेरे आका ने फरमाया अभी भी यानी बोलो तोड़ दू अब बोलो तोड़ दू दो टुकड़े कर दू चार को हर कर दीजिए आका ने कहा ना सब जब देखो नो बताओ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हबीब जमनी को मुखातब किया अबू जहल को मुखातब किया अबू लहब को मुखातब किया उतबा को मुखातब किया शैबा को मुखातब किया कुफार मक्का को मुखातब किया तमाम मुशरिकीन को मुखातब किया और कहा देखो निगाह उठाओ मेरे आका ने आसमान की जानिब निगाह उठाओ
दूसरा टुकड़ा जाने उपदेश के दूसरी जानी दोनों टुकड़े में काफी दूरी रही और बहुत देर तक दूरी रही। मेरे मुस्तफा ने फरमाया देख लिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आप से बोलो सुभान अल्लाह देख लिया चांद और टुकड़े हो गए देख लिया। अबू जहल देखा अबू लहब देखा हबीब अली देखा सबके सब झुक गए सबके सब झुक गए। अल्लाह के नबी ने कुछ देर के बाद दूसरा इशारा कर दिया तो दोनों चांद का टुकड़ा आपस में फिर मिल गया। मेरा कहना था हबीब अली एक तो देखा और हबीब अली ने कहा कि मैं दो देखूंगा कितने देखूंगा कितने देखूंगा। हबीब अली ने कहा मैं दो देखूंगा मेरे आकर फरमाते एक तो देखा दूसरा बता एक तो देखा दूसरा बता एक तो देखा दूसरा बता। अब हबीब अली के सब झुक गया कितना बड़ा देख लिया और क्या देखू घिटाई होगी कि नहीं। अरे बोलिए घिटाई होगी कि नहीं इतना बड़ा तो देखा फिर और क्या देखू सब झुका हुआ है और मेरे आकर बोल रहे बोल बोल हबीब अली बोल दूसरा क्या देखेगा बोल दूसरा भी दिखा दू। हबीब अली खामोश है बोलती बन गए बोलती बन गए। अल्लाह के नबी सज्जदे को नहीं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इशारा होता है हबीब अली अरे दूसरा क्या देखेगा बता उसे भी दिखा दू। अब हबीब अली की बोलती बन गए तो मेरे मुस्तफा फरमा दे हबीब अली तुम तू अगर नहीं बोलता है तो मैं बोल देता हूं तू नहीं बोल पाता है मैं बोल दू तेरे दिल की क्या तमन्ना है मैं बता दू तू नहीं बोलना चाहता मैं बता दू तेरा दिल क्या चाहता है बता दू। हबीब अली दिल में सोच रहा है मैंने तो दो देखने की ख्वाहिश की थी और नबी तीसरे की भी बात कर रहे हैं इसलिए कि दूसरा तो जो मेरे दिल की ख्वाहिश है देखना चाहता हूं और नबी दिखाने को कहते हैं और तीसरी बात जो मेरे दिल की है मैंने चाहा नहीं है वो भी बता देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हबीब अली तू नहीं बताता मैं बता देता हूं तूने दिल में जो छुपा रखा है मैं जाहिर करता हूं तेरे दिल का जो राज है मैं उसे आजा कर देता हूं तेरे दिल में जो पोशीदा पाक है मैं उसे लोगों के जाहिर कर देता हूं बोल बता दू तेरा फिर क्या चाहता है कह दू तेरे दिल के राज को लोगों के जाहिर कर दू। अभी पे जमनी ने कहा अरे मोहम्मद क्या ही बेहतर होता कि मेरे दिल का राज आप खुद ही बता देते मेरे दिल में क्या आग पोशीदा है आप खुद ही बता देते। अल्लाह के नबी सरवरे कौरैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सल्लम इशारा फरमाते अरे हबीब अली सुन अरे लोगों सुनो अबू जहल अबू लहब तो पता शैबा तो सारे अरब मुशरिकीन मक्का सुनो हबीब अली के दिल में है बताता हूं भाई सुभान अल्लाह। हबीब अली एक तो तूने देख लिया दूसरा तेरे दिल का है मैं इसे जाहिर करता हूं सुन तेरे दिल की ये तमन्ना है तेरे दिल में ये ख्वाहिश है तेरे दिल में ये राज है तू चाहता है कि तेरी एक बेटी है जो तेरे मुल्क यमन तेरे घर में मौजूद है और तेरी वो बेटी जिसमें की आवाहट है पैरों की लकड़ी है हाथों की लोड़ी है दिमाग की ताकत है आंखों की अंधी है कानों की बहरी है जबान की बूढ़ी है जिस्म की आवाज तेरी बेटी है। अरे हबीब अली तेरे दिल की यह ख्वाहिश है कि मेरे मौजूदे से उसे शफा मिल जाए चाहता है कि तेरी बेटी को तंदुरुस्ती मिल जाए तू चाहता है कि मेरे रसालत की बरकत से उसे तवानाई मिल जाए तू चाहता है कि तेरी बेटी अच्छी हो जाए तो अरे हबीब अली सुन तेरी बेटी तमन्ना हो गई तेरी बेटी बोलने लगी और फिर तेरी
मुसलमान हो गया, अल्लाह के नबी के करीब हो गया, इस्लाम वाला हो गया, ईमान वाला हो गया, सभी मुसलमान कहते कि मगफिरत वाला हो गया, जन्नत वाला हो गया, बल्कि दिल से बोलो कि हबीब जमी नबी का कलमा पढ़कर के खुदा वाला हो गया, मुसलमान हो गया। अबू जहल मुरझा गया, अबू ने मुंह ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमने तो बुलाया था कुछ और सोच करके, लेकिन यहां भी तो आमिला को और मर गया, ये क्या हो गया। अबू जहल तो आसमान पर भी चल गया, अब सुनो हबीबे जम्मी कहता है मेरे प्यारे आका मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे इमाम, मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरे इमाम। अब इजाजत थी तो मैं घर चला जाऊं, दिल में खुदगुदी है, जल्दी चलूं, जल्दी चलूं बेटी को देखूं, अभी तो सिर्फ सुना है, जरा बेटी को देख तो लूं, बेटी का जिस्म तो देखूं, बेटी की शफायाबी तो देखूं, बेटी के तंदुरुस्ती तो देखूं। मेरे आका आप इजाजत दे तो मैं यमन चला जाऊं, वतन चला जाऊं, घर चला जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हबीब जाओ, क्या जरूरत तुम्हारे का, हबीब जाओ, इजाजत ली, घर गया। हबीबे जमनिया चले, हबीबे जमनिया जोर से बोलो हबीबे जमनिया चलते 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 अपने वतन मुल्क यमन पहुंचे। रात हो गई, तारीकी हो गई, रात का सन्नाटा हो गया, रात के वक्त दरवाजे पर पहुंचे, सबके दरवाजे बंद, हबीबे जमनी का दरवाजा भी बंद, दरवाजा बंद, दरवाजे पर पहुंचे हबीबे जमनी, जंजीर खटखटाई, घर वालों को आवाज दी, हबीबे जमनी ने अपने दरवाजे पर दस्तक दी, जैसे ही हबीबे जमनी ने दरवाजे की जंजीर खटखटाई, घर वालों को आवाज दी, तो हबीबे जमनी की वही बेटी जो पहले चुपचाप या बाहर थी, पैरों की लगड़ी थी, कानों की बहरी थी, दिमाग की पागल थी, जैसे अपने बाप की आवाज को सुनती है बिस्तर से उठ जाती है, बिस्तर से उठी और बिस्तर से उठ करके दरवाजे पर आई, दरवाजा खोला, जैसे ही बाप को देखा बेटी ने, लड़की ने जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब बाप हबीबे जमनी ने अपनी बेटी को तंदुरुस्त देखा और कलमा पढ़ता हुआ पाया, अपने सीने से चिपका लिया और चिपका करके कहा अरे बेटी ये कलमा तुझको किसने सिखा दिया, मेरी बेटी ये कलमा तुझसे कहा तुझको कहां पढ़ लिया, अरे बेटी ये कलमा तुमको किसने बता दिया, अरे बेटी ये कलमा तुमको किसने पढ़ा दिया। तो जानकी ने कहा अरे अब्बा जान आप तो कहीं गए हुए थे, सफर में थे, एक रात में सो रही थी, अचानक एक नूरानी चेहरे वाले नदी वाले प्यारे प्यारे हाथ वाले तशरीफ ले आए और मेरे किस्तर के करीब हुए, मेरे जिस्म के ऊपर से चादर को उन्होंने सरकाया और चादर को हटा करके अपना दस्ते नूरानी मेरे जिस्म पर फेरा और कहा बेटी मैं तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा रहा हूँ, तू यहाँ जमन में कलमा मेरे मुसलमान हो जा। अरे अब्बा जान मेरी आंख खुली, मेरी जबान पर खुद ही जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मां मेरे खुद ही उठ गए, कान मेरे खुद ही सुनने लगे, पैर मेरे खुद ही चलने लगे, मेरी जबान खुद चलने लगी, मेरे आंखों में रोशनी आ गई, मेरे दिमाग में ताकत आ गई, मुझे कुव्वत तवानाई आ गई। मेरे बुजुर्गों दोस्त एक बात जरा
जमनी ने कलमा का पढ़ा, बोलो चार सौ टुकड़े नबी ने किया कलमा पढ़ा, पढ़ा जोर से बोलो, आप जा रहे हैं कलमा पढ़ा नहीं, चांद दो टुकड़े नबी ने कर दिया कलमा नहीं पढ़ा, चांद टुकड़े करने के बाद टूटे हुए चांद को नबी ने दोबारा जोड़ दिया कलमा पढ़ा बताया, जब नबी ने हबीब दिल की बात मुस्तफा ने गैब की खबर दे दी, हबीब जमी ने फौरन कलमा पढ़ दिया। अब सुनो एक बात, चांद दो टुकड़े हुआ, चांद जोर से बोलो हुआ, और टुकड़े होने के बाद चूल्हा हिंदुस्तान के एक राजा उसने भी इस मामले को देखा, देखा तहकीक की तो मालूम हुआ मक्के में नबूवत का दावा किया गया है, इसके दिल में तहरीक हुई, चला कलमा पढ़कर के सहाबी बन गया, इसीलिए तो हिंदुस्तान में सहाबी भी आ गए। मैं जो कहना चाहे तो वो सुनो, हिंदुस्तान का नाम हदीस शरीफ में है, हिंदुस्तान का नाम हदीस शरीफ में है, और जो मैं बताना चाहता हूं सुनो, अमरीकी सांसदा चांद पर गए, बोलो गए, अरे बोलो ना गए, जब पहला सांसद रिसर्च के लिए चांद पर गया है, अब वहां रिसर्च कर रहा था तो उसकी अकल हैरान हो रही थी कि हमने जो कुरान में पढ़ा था उसकी तफसीर में जो हमने देखा था और जो मुसलमानों से सुना था कि उनके नबी ने कभी चांद को दो टुकड़े किया है और दो टुकड़े करने के बाद फिर उसे जोड़ दिया है, तो हम तो वहां सुना करते थे लेकिन यहां अपनी आंखों से देख रहे हैं, चांद के बीच एक लकीर है जो ये बता रही है कि ये कभी तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद फिर जोड़ा गया है। सांसदा वही दिल में तहरीर पैदा हुई, दिल में हरकत पैदा हुई, इस्लाम की मोहब्बत पैदा हुई, अब वापस आया है तो उतर रहा है जमीन पर, उतर रहा है बड़े बड़े अफिसरान, बड़े बड़े हुक्काम, बड़े बड़े साइंसदान उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, सलूट मार रहे हैं, लेकिन उसका ये आलम है जो कह रहा नबी ये कौनैन के मौजूदा, नबी ये कौनैन के किरदार का जब मुताला करते हैं सारिता और पढ़े लिखे अंग्रेजी लोग तो नबी का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। सुनो अमरीका इस वक्त ऐसा मुल्क है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का काम अमरीका में हो रहा है, एक दो नहीं हजारों हजार की तादाद में अमरीका में साल का साल मुसलमान होते थे। अमरीका हैरान है, अमरीका परेशान है, उसकी परेशानी बढ़ती रहेगी, इस्लाम का परचम भी बढ़ता रहेगा। मेरे बुजुर्गो दोस्तों, इस्लाम को दिल से मानो, इस्लाम से दिल से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क का मदीना अपने सीने को मनाओ, इंशाअल्लाह तआला वहां भी कामयाबी रहेगी, वहां भी कामयाबी रहेगी। हमारे नाशरी के दो चार शेर हमारे शायद, आप हजरात बैठे रहे, अगर कोई भी नज्म खराब न करे आप हजरात बैठे रहे, अभी हमारे हमदम बागलपुरी साहब इंशाअल्लाह आपके सामने चंद अशआर सुनाएंगे। सुभान अल्लाह, एक मतलब बुलंद आवाज से मेरे नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, अरे बुलंद आवाज से लगा, अभी तो नाम चढ़ाई भी हाथ में आ गई है, नारे तकबीर, नारे रसूल, सबसे आला मौला, सबसे बाला मौला, नारे तकबीर, शेर बंगाल, सुभान अल्लाह, अल्लाह नबी का नाम ले लो, अल्लाह नबी का नाम, अल्लाह नबी का नाम ले लो, अल्लाह नबी का नाम, तीर मुसीबत टल जाएगी, तीर
नबी का नाम, मतलब के कहने सुभान अल्लाह, अल्लाह नबी का नाम ले लो, अल्लाह नबी का नाम। और ये बम समा करे, हमको तो सरकार दो आलम पर घर बार लुटाना है, पर घर बार लुटाना है, राहों में कहते हैं लेकिन फिर भी मदीना जाना है, फिर भी मदीना जाना है, जन्नत हमको मिल जाएगी, जन्नत हमको मिल जाएगी, जन्नत सबको मिल जाएगी, और कौशल का जान, अल्लाह नबी का नाम ले लो, अल्लाह नबी का नाम, अल्लाह नबी का नाम ले लो, अल्लाह नबी का नाम। और ये बम पेश कर रहा हूं मुलाजा फरमाए कि जब से आए प्यारे मोहम्मद, प्यारे मोहम्मद, प्यारे मोहम्मद, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि जब से आए प्यारे मोहम्मद, सबको ये बतलाते थे, सबको ये बतलाते थे, नेकी पर चलना है तुझको, नेकी पर चलना है तुझको, ये सबको समझाते थे, ये सबको समझाते थे, मेरी आका इस दुनिया को अल्लाह नबी का नाम, अल्लाह नबी का नाम ले लो, अल्लाह नबी का नाम। हज़रात हालात हज़रात को निगाहों में रखे और ये शेर समाप्त करे पूरा, वरना ईमानदारी के साथ दोनों हाथ उठा के कह दे या रसूलल्लाह। और ये बस समाप्त करे कि काबुल और बगदाद पे जिसने, काबुल और बगदाद पे जिसने बम मारा है मन मन का, बम मारा है मन मन का, जीना मुश्किल कर देंगे हम, जीना मुश्किल कर देंगे हम, यारो दीन के दुश्मन का, यारो दीन के दुश्मन का, क्यों कि अभी भी है कुरान सलामती, पूरा वर्मा मतलब की कह रहे सुभान अल्लाह, अल्लाह नबी का नाम ले लो, अल्लाह नबी का नाम। और ये बम समा करे कि इंसानों के भेष में देखो, इंसानों के भेष में देखो, ये शैतान जो रहते हैं, ये शैतान जो रहते हैं, सरवर आलम को तो यार अपने जैसा कहते हैं, अपने जैसा कहते हैं, इसीलिए तो आज है नजदीक, अल्लाह नबी का नाम। आखिरी बम सुना करे और एक मगर दोनों हाथ उठा के कह दे या रसूलल्लाह, और मक्का भी सुना कर ले कि दिल का आंगन उनकी यादों के फूलों से महकेगा, के फूलों से महकेगा, मेरी भी किस्मत का तारा हमदम एक दिन चमकेगा, हमदम एक दिन चमकेगा, उनके कर्म से एक दिन
लेकर जो अहले दिल हुसैन की महफिल सजाते हैं, जो अहले दिल हुसैन की याद की महफिल सजाते हैं, वो दुनिया और उकबा में बड़ी इज्जत कमाते हैं। मुस्तफा जाने पेला को सलाम, शमे बज में हिदाया, पेला को सलाम, शमे बज में हिदाया। किस्मत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदाया लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम محبت کو قبول فرما، جو غلطیاں ہو گئی تھیں مولا معاف فرما، جتنے لوگ حاضر ہیں مولا ان کی مرادیں پوری فرما، ہم میں جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، ہم سبوں کو تندرستی اور توانائی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو لوگ اپنے کاروباری اعتبار سے تنگ ہیں پریشان ہیں مولا ان کی رزق کی تنگی کو دور کر دے، فراخی عطا فرما دے، کاروبار ان کا اچھا چلا دے مولا، جو نظر بد یا کسی بھی آتے وہ بلچا اور سحر جادو کے شکار ہیں مولا، ان کو سحر جادو بلچا تو نظر بد سے محفوظ اور معمول، مولا سب کی روزی بڑھا دے، سب کی روزی بڑھا دے، سب کی روزی بڑھا دے مولا، جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں مولا ہم سبوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، جو بھی جس تمنا کو لے کر کے اس وقت پر نور میں آئے ہیں ان کی تمنائیں پوری فرما، ان کی آرزوئیں پوری فرما، ہم سبوں کی بخشش فرما، ہم سبوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے مولا۔ مولا بد محبت میں شرکت کرنے والے دامے درمے قدم سخن جس حیثیت سے بھی جو شامل ہے مولا ان کی شمولیت اور شرکت کو قبول فرما، امام حسین کی محبت کا گنجینا ہمارے سینوں کو بنا دے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
والے سکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جیسے ہی جوگی لوگ آگے بڑھے اور چاہا کہ میرے خواجہ پر اپنا رنگ ڈالیں, جوگیوں نے بالٹی اٹھائی اور بالٹی کا رنگ میرے خواجہ پر ڈالنا چاہا, ان کے پھینکنے سے پہلے میرے خواجہ نے اپنا لوٹا اٹھا لیا, اپنا برتن اٹھا لیا اور برتن میں جو پانی تھا آنے والے جوگیوں پر ان کے پھینکنے سے پہلے حضرت خواجہ نے پانی پھینک دیا. جیسے ہی میرے خواجہ کے برتن کے پانی کا چھیٹا آنے والے جوگیوں پر پڑا, انہوں نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس پر جس پر میرے خواجہ کا پانی پڑتا چلا گیا وہ فوراً کلمہ پڑھتا گیا, جس پر جس پر میرے خواجہ کے پانی کا چھینٹا پڑتا چلا گیا وہ فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہوتا گیا, جس پر جس پر میرے خواجہ کا پانی پڑتا گیا وہ کلمہ پڑھ کر کے فوراً مسلمان ہوتا چلا گیا. اس انداز سے پیدا ہے اسلام, طاقت کے زور پر نہیں, بازو کے قوت پر نہیں اسلام, بالو بھالے کے زور پر نہیں اسلام, نبی کے اخلاق سے, بزرگوں کے کردار سے پیدا ہے, نبی کے معجزات سے اور اولیاء کرام کی کرامات سے پیدا ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مارو جو دیول کر والا رہی بات خادی ہی وفارق پسندی صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاتم و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. میرے بزرگوں دوستو, بوڑھی نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئی, یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے نا؟ میرے بزرگوں دوستو, اللہ کے نبی سجد کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تھا, نبی کا یہ اخلاق تھا کہ دشمن دشمنی کرتے رہے اسلام کا پرچم آگے بڑھتا رہا. چنانچہ ایک روز اللہ کے نبی سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا راستہ پکڑے ہوئے جا رہے تھے, ایک بوڑھی عورت راستے میں ایک بڑا سا پتھر باندھے ہوئے زمین پر رکھے ہوئے کھڑی تھی. میرے آقا قریب ہوئے, رحمت والے آقا, اخلاق والے داتا, جن کے اخلاق کی تعریف قرآن کرے انکا لعلا خلق نظیم, تو ان سے بڑا اخلاق پر اور کون ہو سکتا. نبی قریب پہنچے, بوڑھی ماں کیا بات ہے کہ کل انتظار کر رہی ہو, کچھ پریشان معلوم پڑ رہی ہو؟ ہاں بیٹے, ایک مزدور کا انتظار ہے, کوئی میرا یہ سامان اٹھا لے, میں مکہ شہر سے باہر نکل جانا چاہتا ہوں, میرا یہ سامان پہنچا دے جو مزدوری ہو لے لے. آقا, ہم سبوں کے دادا, خدا کے پیارے محبوب, ارشاد فرماتے, بوڑھی ماں پریشان نہ ہو, میں حاضر ہوں, کہاں چلنا ہے چلو میں پہنچائے دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے پوری کا پتھر اٹھایا اپنے سر پہ رکھ لیا. اسلام کے پھیلنے کا انداز دیکھو, اللہ کے نبی نے پورے کی بوڑھی کی گٹھڑی اٹھائی سر پہ رکھا, اب بوڑھی چل رہی ہے مصطفیٰ چل رہے ہیں, بوڑھی چل رہی ہے مصطفیٰ چل رہے ہیں. شہر سے دور چلی گئی, مکے سے باہر نکل گئی, غیر آبادی میں چلی گئی, بیابان جگہ میں پہنچ گئی, دیوانے میں پہنچی تو بوڑھی کہتی ہے نوجوان ٹھہرو, میرے آقا رک گئے, یہی اتار دو گٹھی میری, یہی رکھ دو. آقا نے رکھ دیا. بوڑھی ماں بس یہیں تک؟ ہاں. میں چلا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں چلا, تو بوڑھی کہتی نوجوان اپنا بدلہ تو لے لو, معاہدہ تو لے لو, مزدوری تو لے لو. میرے آقا نے فرمایا میں مزدور نہیں ہوں, مجھے مزدوری نہیں چاہیے, تمہاری خدمت تھی میں نے کر دیا, تم بوڑھی تھی میں نے تمہاری مدد کر دیا, اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. بوڑھی عورت کہتی نہیں نوجوان, اتنی دور سے میرا یہ بدلدار گٹھر اپنے سر پر اٹھا کر کے لائے ہو, اس کا بدلہ تو تمہیں لینا ہی پڑے گا. میرے آقا نے فرمایا نہیں ماں, میں بدلہ لینے والا نہیں, مجھے بدلہ نہیں چاہیے, مجھے معاوضہ نہیں چاہیے, جب میرے سرکار میرے آقا کسی بھی قیمت پر اس کا معاوضہ لینے کے لیے آمادہ نہ ہوئے. تو بوڑھی عورت بعد میں کہتی اچھا ہے نا جوان, سنو, جب تم بدلہ نہیں لے رہے ہو, معاوضہ نہیں لے رہے ہو, مزدوری نہیں لے رہے ہو,
तो कम से कम मेरी एक नसीहत सुन लो। मैं एक नसीहत तुम्हें किए देती हूँ, वो सुन लो। मेरे आका ने फरमाया, बोलो बूढ़ी माँ क्या नसीहत है? तो बूढ़ी औरत कहती है, नौजवान सुनो, मक्के में एक शख्स मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नाम का पैदा हुआ है। मोहम्मद नाम का एक शख्स पैदा हुआ है जिसने नबूवत का दावा कर दिया है, जिसने रसालत का दावा कर दिया है, बुतों की मुखालिफतें कर रहा है, बुतों की पूजा से लोगों को मना कर रहा है, एक अल्लाह की इबादत की जानिब लोगों को दावतें दे रहा है, अपने को अल्लाह का रसूल बताता है, और उसके जादू का ये आलम है जो उसके करीब हो जाता है वो उसका हो जाता है, जो उसकी बातें सुन लेता है उसका हो जाता है। इसलिए है नौजवान सुनो, मैं उसकी बातों से बचने के लिए, ताकि उसकी आवाज मेरे कानों में ना आए, मैं उससे बचने के लिए मक्के से दूर वीराने में चली आई हूं। तुमको यही वसीयत है, तुमको यही नसीहत है कि उस मोहम्मद से तुम बचते रहना, मोहम्मद से तुम बचते रहना, मोहम्मद की बातें ना सुनना, मोहम्मद के करीब ना जाना, वरना तुम पर भी जादू चल जाएगा। जैसे ही बूढ़ी औरत ने इतना कहा तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अरे बूढ़ी माँ सुनो, जिस मोहम्मद की बातों से बचने के लिए तुम मक्के से छोड़कर वीराने में आई हो, मैं वही मोहम्मद हूँ। वही मोहम्मद हूँ, मुझे खुदा ने अपना नबी बना करके भेजा है, लोग मेरी मुखालिफतें कर रहे हैं। बूढ़ी औरत कहती है, सच बताओ मैं जवान, हाँ तुम वही मोहम्मद हो जिसने नबूवत का दावा किया है? हाँ हाँ बूढ़ी माँ, मैं खुदा का नबी हूँ, मुझे अल्लाह ने अपना रसूल बना करके भेजा है, मैं अल्लाह का पैगंबर बन करके आया हूँ। अल्लाह एक है, इबादत के लायक सिर्फ उसी की जात है, ये तमाम पुर झूठे हैं। जैसे ही मेरे आका ने इतना कहा, बूढ़ी औरत फौरन कहती है, अरे नौजवान सुनो, अगर वाकई तुम ही मोहम्मद हो तो मैं भी तुम्हारा कलमा पढ़ती हूँ और मुसलमान होती हूँ। सबसे आला वो आला, सबसे आला वो आला। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाम इस अंदाज से पैदा है, मुखालिफतें हो रही थी और नबी के इत्लाक का जादू काम कर रहा था। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी सैयद कौमैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रुकाना से मिले। रुकाना वक्त का मक्के का नहीं बल्कि पूरे अरब का सबसे बड़ा पहलवान था, सबसे बड़ा ताकतवर। अल्लाह के नबी सैयद कौमैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। मेरे आका ने रुकाना को देखा, इरशाद फरमाया, रुकाना अब तुम्हारे ईमान लाने का वक्त आ गया। मोहब्बत से बोलिएगा, रुकाना तुम्हारे ईमान लाने का वक्त आ गया है, कब कलमा पढ़ोगे? तुम्हारे मुसलमान होने का वक्त आ पहुंचा है, कब कलमा पढ़ोगे? रुकाना ने कहा, मोहम्मद सुनिए एक बार, बोलो क्या कहते हो? अरे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, मेरी एक शर्त है, बोलो। वो दरख्त है, वो झाड़ है, वो दूर झाड़ लगवा रहा है। झाड़ समझते हैं ना? दरख्त समझते हैं? अरे दरख्त समझते हैं? नहीं समझते। वो दरख्त, वो झाड़, मैं चाहूंगा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं उस दरख्त को मेरे पास बुला दीजिए। आका ने फरमाया, यहां बुला देता हूं। क्या नहीं? नहीं। क्या बोलो? क्या मैं चाहता हूं कि आधा दरक वहां रहे, आधा दरक यहां रहे, पूरा दरक नहीं, आधा दरक बीच से कटे, आधा वहां रह जाए, आधा यहां आ जाए। वो नबी जो चांद को काट दे सारे, जो चांद को काट दे सारे से, तो ये दरक तो लकड़ी का है, इसकी तो फितरत ही है कटना। चांद जो कट नहीं सकता, इशारा किया नबी ने, उसे काट दिया। दरख्त की क्या बात है? मेरे नबी ने फरमाया, रुकाना घबराओ नहीं, वो भी किए देता हूं, वो भी हो जाएगा। जैसे तो चाहते हो कि आधा दरख्त आए, आधा दरख्त तो वहीं रहे, ये भी हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया, अरे दरख्त आधा वहां तो है, आधा यहां आ।
से चिड़चिड़ाते हुए चिड़चिड़ाते हुए बीच से कट गया, आधा वही खड़ा रह गया और आधा अपनी जड़ों समेत नबी की बारगाह में आ गया और नबी की बारगाह में आकर के सजदा कर देता है, कलमे तक दबा कर देता है। मियां ये शगन नहीं, अभी अगर नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, गारे हेरा में इकरा वही नाजिल नहीं हुई थी, उसके पहले का ये आलम था। नबी जिस तरफ से गुजरते थे तो कंकड़ो पत्थर कहा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहाड़ों से आवाज आती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आधा बरस तो वही रह गया, आधा बरस से चल करके आ गया। मेरे आका ने कहा देख लिया, रुकाना से कहा देख लिया, हाँ देख लिया। आका ने फरमाया अब इसे वापस भेज दू, भेज दीजिए। आका ने इशारा किया जाओ अपने दरख्त से मिल जाओ, जाओ अपने उस आधे दरख्त से मिल जाओ। दरख्त फिर वापस मनर गया और जाकर के जो आधा दरख्त वहां खड़ा था उससे जाकर के फिर मिल गया, दरख्त तो पूरा फिर बन गया। आका ने कहा देखा अब कलमा पढ़ लो। तो रुकाना कहता ऐसे नहीं पढ़ूंगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा। कैसे पढ़ोगे? मैं पहलवान हूं, मैं ताकत वाला हूं। आप नबी है ना, तो नबी तो हर चीज में सबसे आगे होता है। मैं अरब का सबसे बड़ा पहलवान हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कुश्ती लड़ें। लो नबी से कुश्ती लड़ा रहा है, नबी से कुश्ती लड़ा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कुश्ती लड़ाएं और लड़ने में अगर आप मुझ पर हावी हो जाए, मुझे पछाड़ दे, मुझे पटक दे, तो मैं कलमा पढ़ूंगा। नबी ने कहा चल। बोलो तुम्हारे अल्लाह चल, तू पहलवान है, तू दुनिया का पहलवान है। मैं वहां का पहलवान हूं, चल सूरज को मैं पछाड़ दूं, चांद को मैं पछाड़ दूं, तो रुकाना तेरी क्या रुका। हाँ हा लो देखता हूं तेरे पास कितनी ताकत है, देखता हूं तेरे बाजू की कितनी कुवत है, देखता है तेरे पास कितने फन हैं। आज तेरे फन को देखता चल कुश्ती लड़ेगा। तैयार हो गया रुकाना, मटका सीना फुलाया, हाथ खुलाया, आका से भिड़ा, सोचा कि एक उंगली से पकड़ दूंगा वो पहलवान। और नबी तीन तीन दिन फाका करने वाले, कितनी देर लगेगी, एक उंगली की ताब न ला पाएंगे। लेकिन उसे नहीं मालूम ये नबी की उंगली है, चांद को तोड़ देती है। रुकाना आगे बढ़ा, मेरे मुस्तफा से फिरा, जैसे ही फिरा मुस्तफा ने पहले ही वार में उसे पटक करके उसे पछाड़ दिया। पढ़ कलमा, कैसे सुभान अल्लाह, पढ़ कलमा, होगा मुसलमान। कहा भी नहीं, अभी नहीं, मुझसे धोखा हो गया, मैं फिसल गया, तो दूसरी बार दोबारा मरूंगा, मैं फिसल गया हूं दोबारा लड़ूंगा। मेरे आका ने फरमाया दोबारा लड़ेगा, उठ चलो उठ। फिर ताकत देखा, फिर फन देखा, घुराया सीना फुलाया, बगल को मटकाया, नबी आगे बढ़े। रुकाना भीड़ा, जैसे ही भीड़ा देर नहीं लगने पाई, नबी ने फौरन फिर पछाड़ दिया। परिक्रमा अब तो पड़ेगा, अब तो पाओ, दो बार हो गया। कहा दो बार हुआ, मुझसे फिर गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, मेरा काम काम नहीं कर सका, मैं तीसरी बार लड़ूंगा। आका ने फरमाया चल, कहां तक तू भागेगा, तू कहां तक जाएगा, चल खड़े हो जा। रुकाना तीसरी बार खड़ा होगा तो जबरदस्त तरीके से घुराया, दिमाग भी ताकत भी
बतखी बात तीसरी बार तो पढ़ ही दूंगा, लेकिन नबी को कौन पछाड़े जिसे मदीना बाजार में तीसरी बार कैसे ही रुकाना फोड़ा करके आगे बढ़ा और मेरे नबी पर झपटा कि जल्दी से पटक दूं। मेरे नबी ने पहले ही दांव से रुकाना को तीसरी बार फिर पटका और फिर उसे बखार दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया पढ़ेगा कलमा पाओ, पढ़ेगा कलमा पाओ। रुकाना ने कहा मेरी ये बकरियां हैं आप ले लो, मेरी ये बकरियां हैं आपको मैंने दे दिया। आका ने फरमाया बकरियां दे रहे? कहा अच्छा ठीक है। रुकाना ने कहा अच्छा ये बताइए आप लोगों से क्या बताइएगा, बकरी जो आप ले लेंगे तो लोगों से क्या कहेंगे? आका ने फरमाया यही कहूंगा रुकाना को मैंने पछाड़ दिया, बकरी हाजिर कर दी। तो रुकाना कहता नहीं ऐसा मत कहिएगा, मुझे शर्मिंदगी होगी, मेरी रुसवाई होगी। तो फिर क्या कहूं? ये कह दीजिएगा कि रुकाना ने मुझको जो ही बकरियां दे दी है। आका ने फरमाया मैं नबी हूं, मैं उम्मत का इमाम हूं, मुसलमानों का रहबर और पेशवा हूं, झूठ नहीं बोल सकता, मैं तो झूठों से बचाने के लिए आया हूं, सिर्फ बदामी से लोगों को हिफाजत करने के लिए आया हूं। तुम कैसी बातें करो मैं झूठ बोलूं? मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे ही मेरे आका ने फरमाया मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा तो रुकाना ने फौरन कहा अब सुनिए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो मैं आपका कहना पड़ता हूं मुसलमान होता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, रुकाना ने फौरन कलमा पढ़ा और अरब का सबसे बड़ा पहलवान मुसलमान हो गया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये अंदाज था इस्लाम के फैलने का, ये तरीका था इस्लाम के फैलने का। आकाए कायनात से जो भिड़ा वो पछाड़ा गया। आकाए दो जहां सज्जदे कौलों का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार नहीं दरख्त को बुलाया, एक मरतबा आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी से कहते वो बाहर चले जाओ, देखो कोई दीवार है, मुझे रफ़ा हाजत की जरूरत है। चला चलू, वो बाहर गए, देखा कि लोग बैठे हुए हैं, दूर दूर तक लोग बैठे हैं, कहीं कोई दीवार नजर नहीं आ रही है। वापस आ गए, आका कोई दीवार नहीं दिखाई दे रही है, कोई पहाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहाड़ी नहीं है, कुछ पत्थर इधर उधर बिखरे हुए हैं, कोई दरख्त तो वहां है। उन्होंने कहा दरख्त तो है, पत्थर भी बिखरे हुए हैं। तो मेरे आका कहते मेरे सहाबी जाओ कह दो तुम लोगों को रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है कि एक जगह इकट्ठा हो जाओ, नबी ने तुम लोगों को हुक्म दिया है कि इकट्ठा हो जाओ। सहाबी रसूल बाहर आए, अरे पत्थरों, सुभान अल्लाह, इंसानों तो नहीं, पत्थरों, पत्थरों को मुखातब कौन करेगा? जो मुख्तार होगा। अल्लाह के नबी फरमा अरे पत्थरों, अरे दरख्तों, अल्लाह के नबी का हुक्म सुनो। रसूल रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि तुम लोग अपनी जगह से इकट्ठा हो जाओ, एक आड़ बना लो, दीवार की तरह हो जाओ। नबी का हुक्म जैसे ही सहाबी ने पत्थरों और दरख्तों को पहुंचाया तो जो दरख्त इधर उधर थे अपने जलों से फौरन हिलते हैं, उखेरते हैं, एक जगह इकट्ठा हो गए और कूदते हुए पत्थर इधर से उधर, इधर से उधर सब कूद करके आए, फिर इकट्ठा हो गए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक दीवार बन करके खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने रफ़े हाजत कर दी। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, रफ़े हाजत फरमाया, मेरे आका ने फिर इरशाद फरमाया मेरे सहाबी अब पत्थरों से कह दो अपनी जगह चले जाए, अपनी जगह चले जाए। ये मेरे आका की शान है, ये मेरे आका का मकाम है। और सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जुल्म होता रहा, एक मौका ऐसा आया, कुफ्फारे मक्का एक हो गए, मुशरिकीन एक हो गए और नबी के कत्ल का प्लान बना लिया।
जिसकी हिफाजत खुदा करे उसे सफल कौन करेगा। प्लान बना लिया, आज रात तमाम बड़ी बड़ी कौम के सरदार इकट्ठा होकर के रात के सन्नाटे में नबी के खाने नबूवत के इर्द गिर्द तलवारें लिए हुए खड़े हैं। नबी घर से बाहर निकले, काम तमाम कर दिया जाए। अल्लाह के नबी दिलों की हर हर धड़कनों को जानने वाले मेरे आका हजरत मौला अली से फरमाते हैं, अली दुश्मन बाहर खड़े हैं, अकीदा ताज़ा कीजिए, ईमान पुख्ता कीजिए। मेरे आका ने फरमाया, अली दुश्मन बाहर खड़े हैं, मेरे कत्ल के दर पर हैं, सुनो मैं जा रहा हूं, मेरे बिस्तर पे तुम सो जाओ, मेरे बिस्तर पे तुम सो जाओ। दुश्मन बाहर खड़े हैं, कत्ल के दर पे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते मेरे बिस्तर पे अली तुम सो जाओ। अली से एक मर्तबा पूछा गया, हाय अली आपको सबसे ज्यादा सुकून किस मौके पर मिला? तो हजरत मौला अली फरमाते हैं, मेरी जिंदगी की ओर आप मेरे लिए सबसे इत्मीनान वाली थी, जब दुश्मन नबी के घर के बाहर खड़े थे और नबी ने अपनी चादर उड़ा करके अपने बिस्तर पे मुझे सुना दिया। मेरे बुजुर्गो दोस्तों, अब हजरत मौला अली बिस्तर नबूवत पे नबी की चादर ओढ़ कर सो गए और अल्लाह के नबी सज्जदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहर दुश्मन खड़े हैं, तलवारें सबकी तनी हैं, उधर से भी इधर से भी दरवाजे के दोनों तरफ दुश्मन कौम के बड़े बड़े सरदार खड़े हैं। अल्लाह के नबी बाहर निकले, हजरत अली से फरमा दिया, देखो ये फला की अमानत है, फला की अमानत है, फला की अमानत है, फला की अमानत है, मैं मदीने जा रहा हूं, अली तुम सुबह को जिसकी जिसकी जो अमानत है उसे वापस कर देना, तुम भी मदीना आ जाना। हजरत अली फरमाते हैं, मुझे तो पूरा इत्मीनान हो गया कि नबी ने फरमा दिया है मदीना आ जाना। अब कितनी तलवार उन पर चलेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आए, उतबा शहबा अबू जहल अबू लहब कुफारे मक्का मुशरिकीन अरब दो रूजा सब खड़े हैं, तलवारें ताने हुए। नबी जैसे ही दरवाजे पर आए, मिट्टी जमीन से थोड़ी सी उठाई, मिट्टी उठाई, पढ़ा यासीन वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिराते मुस्तकीम। उसी दिन ये सूरह नाजिल हुई, अल्लाह के नबी ने सूरह यासीन की शुरू की चंद आयतें पढ़ी और मिट्टी उठा करके इन काफिरों पर फेंक दिया, तलवार वालों पर फेंक दिया, तलवार वालों पर मिट्टी फेंकी, सब अपना सर मलने लगे, आंखें मलने लगे और नबी उन्हीं के दरमियान से बाहर चले गए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर के घर सीधे गए, सिद्दीक मदीना चलना है, सुभान अल्लाह, सिद्दीक हिजरत करनी है, यहां से कूच करना है। वो सिद्दीक हैं, यारे गार हैं, सच्चे आशिक हैं, आशिक सादिक हैं, नबी का हुक्म हो गया, अब कुछ नहीं देखा जाएगा, चल दिए। इंशाअल्लाह आइंदा कल वमा अलैना इल्लल बलाग ना शरीफ के दो चार अशआर जल्दी से इनसे सुन लीजिए। हाय एक बार झूम के रोजे पाक पेश के लिए जाए फसल गौ मसलेगा सिजना व शकीना हम मौलाना मोहम्मद नमाज ने जुगल कम वाली वसलिम सलातो सलाम अलैकि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाइश के मुताबिक चंद मनकवत पेश कर रहा हूँ, मगदूम शाहरम के वाले कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि पियूंगा आज पैमाना शहे मखदूम सिमला का, पियूंगा आज पैमाना शहे मखदूम सिमला का।
से तू मुसीबला का बुला है आओ मैं खाना शहे मखदूम सिमला का। मतलब के कह दीजिए सुभान अल्लाह। और ये शेर समाप्त करे उन्हीं की याद में रोना उन्हीं की याद में हंसना उन्हीं की याद में रोना उन्हीं की याद में हंसना दीवाना हूँ दीवाना शहे मखदूम शिमला का। नारे तकबीर मैं दीवाना हूँ दीवाना शहे मखदूम सिमला का। मतलब के कह दे सुभान अल्लाह। और बहुत प्यारा शेर हजरत के तबस्सुम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं मुलाजा मैं। सुभान अल्लाह। मैं कलकत्ते से आया हूँ तमन्ना लेके ये दिल में मैं कलकत्ते से आया नजराना शहे मखदूम सिमला का। मुझी नारे तकबीर नारे रिसालत शायर इस्लाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह। और हजरात साथ ही साथ ये शेर मुलाजा फरमाए यहां पीरे तरीकत रहबरे शरीयत तशरीफ रखते हैं बड़ी तेजी के साथ ये शेर सुनाते करें कि मनाओ खुशियां सब मिलकर शमीम मनाओ खुशियां सब मिलकर शमीम कादरी आए करिए मनाओ खुशियां सब मिलकर शमीम कादरी आए मनाओ खुशियां सब मिलकर शमीम कादरी आए सजाओ महफिले हंस कर शमीम कादरी आए सजाओ महफिले हंस कर शमीम कादरी आए। मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। और एक शेर मुलाजा फरमाइए कि मिलेगा फैज इनसे तुम को ये दावा हमारा है कि मिलेगा फैज इनसे तुम को ये दावा हमारा है मिलेगा फैज इनसे तुम को ये मिलो तो प्यार से
झुक कर शमीम कादरी आए, मिलो तो प्यार से झुक कर शमीम कादरी आए। मतलब के कह रही है तुम्हारा इश्क़े अहमद रज़ा में जीता हूँ, दुश्मनों की नजर में पीता हूँ, दुश्मनों मुझसे तुम न टकराओ, दुश्मनों मुझसे तुम न टकराओ, मैं बरेली का दूध पीता हूँ, मैं बरेली का अहमद रज़ा में जीता हूँ, दुश्मनों की नजर में पीता हूँ, नज़दीकों मुझसे तुम न टकराओ, नज़दीकों मुझसे तुम न टकराओ, और मैं बरेली का दूध पीता हूँ, मैं बरेली का दूध पीता हूँ। पूरा वर्मा मतलब के कह रहे सुभान अल्लाह। और ये आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, मुलायदा फरमाए, मैं बरेली का दूध पीता हूँ, सरवरे अंबिया से कह दूंगा और शेरे खुदा से कह दूंगा, लाख दुश्मन भी घेर लिए मुझको, लाख दुश्मन भी घेर लिए मुझको, हम तो ख्वाजा पिया से कह दूंगा, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमोए बज में हिदायत लाखों सलाम, शमोए बज में हिदायत लाखों सलाम, तैबा का चार जिस सोहरी गई चमका, तैबा का चार उस दिल अफरोज़ सा केला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत तेला सलाम, शमुए बज में हिदाया पहला को सलाम, कितने बिकरी हुई है मदीने के फूल, कितने बिकरी हुई है मदीने के फूल, करबला तेरे किस्मत पहला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम, शमुए बज में हिदाया पहला को सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलातो वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातो वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الماجد الجود والكرم
وعلى آله وآصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللهم ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اے میرے پروردگار عالم, ہم لوگوں کے بولنے میں پڑھنے میں جو خطا جو غلطی ہو گئی وہ معاف فرما دے. اے میرے اللہ, اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اس بد میں نورانی کو قبول فرما دے. اے مولا, اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم تمام حاضرین پر مولا کرم فرما دے, ہم سبوں پر رحم فرما دے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے صدقے میں مولا ہمیں وعدوں کا سچا بنا دے. فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ ہے, مولا ہم سبوں کو عادل بنا دے. عثمان غنی کی صحابت کے صدقے میں مولا ہم سبوں کو سخی بنا دے. اے میرے اللہ, حضرت مولا علی کی شجاعت کا صدقہ ہے, ہم سبوں کو شجاع اور بہادر بنا دے. اے مولا, کرب و بلا کی تپتی ہوئی دھرتی کا صدقہ ہے, مولا کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگ سار پر حضرت امام حسین کی تڑپتی ہوئی لاش کا صدقہ ہے. اے مولا, حضرت علی اکبر کی جوانی کا صدقہ ہے, مولا حضرت علی اصغر کی شیر خوارگی کا صدقہ ہے. اے میرے مولا, حضرت عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ ہے, مولا حضرت قاسم کی جلدی جسم کا صدقہ ہے, حضرت اولو محمد کی مقدس نندی نندی لاشوں کا صدقہ ہے. مولا ہم سبوں کو شوق سعادت کی لذتوں سے آشنا فرما دے. مولا ہم سبوں کو اپنی راہ میں سر کٹانے کا جذبہ عطا فرما دے. اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, آج پوری دنیا میں مذہب اسلام کو سرنگون کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے, اہل اسلام کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے دشمن اسلام پر تول رہے. مولا ہمارے ملک ہندوستان میں بھی مولا ہم پر طریقے طریقے سے ظلم ڈھائے جا رہے. مولا کبھی ہماری مسجدیں بیمار مسمار کی جا رہی ہے, مولا کبھی ہماری خانقاہوں پر حملے ہوتے ہیں, کبھی ہمارے مدرسوں کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں. مولا اے میرے اللہ, تیرا پیارا مذہب مذہب اسلام دنیا کے ظالم اس دہشت گردی سے جوڑنے کی کوششیں کر رہے. مولا اے میرے اللہ, یہ سب ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ مولا تو اب سے ہمارا امتحان لے رہا ہے. میرے اللہ, ہم امتحان کے لائق نہیں ہے, ہم آزمائش کے لائق نہیں ہے. مولا اے میرے اللہ, تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈال, ہم کمزور ہیں مولا, ہم ناتواں ہیں مولا, بس تیرے محبوبوں کا سہارا ہے مولا. مولا شہدائے کرب و بلا کا صدقہ ہے, میرے خواجہ اجمیری کا صدقہ ہے مولا, حضرت غوث اعظم کا صدقہ ہے مولا, ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما دے, مخالفین کی عداوتوں سے ہمیں امن عطا فرما دے. مولا حافظین کے بمزوں سے مولا ہمیں نجات دے دے, دشمنوں کے شر سے ہمیں امن عطا فرما دے. مولا اے مولا, تو اب بھی کرم نہ کرے گا تو کب کرے گا؟ مولا اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, ہمارا سر جھکتا ہے تو بس تیری بارگاہ میں جھکتا ہے. مولا ہم تیرے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کرتے ہیں مولا, انہی سجدوں کی لاز رکھ لے میرے اللہ. اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, تیرے محبوب کے امتی کہلاتے ہیں, اسی امت کہلانے کی لاز رکھ لے مولا. اے میرے اللہ, ہماری دعائیں قبول فرما, اپنے ان بندوں کی دعاؤں کو قبول کر لے مولا, سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر لے مولا. اس وقت جس کے دل کی جو تمنا ہے مولا, اس ماہ محرم کے صدقے میں تیرے محبوب کے محبوب حضرت امام حسین کے صدقے میں مولا سب کی آرزویں پوری فرما دے, سب کی خواہشوں کی تکمیل فرما دے مولا, سب کی تمناؤں کو پوری فرما دے مولا. اے میرے مولا, اے میرے مولا, اے میرے مولا, ہماری دعاؤں کو سن لے مولا, قبول کر لے مولا, قبول کر لے مولا, قبول کر لے مولا. یہ ہمارے ننھے ننھے بچے آتے ہیں مولا, مولا ان کا صدقہ ہے.
मौला, इनके सदके में मौला हम सबों के उठे हुए हाथों की लाज रख ले मौला। हमारी माए बहने जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को भी दूर कर दे मौला। मौला जो नौजवान बच्चियां शादी के लायक है मौला, लेकिन ऐ मेरे अल्लाह किसी वजह से उनका रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है। ऐ मौला हजरत फातिमा खातून ने जन्नत का सदका है, हजरत आयशा सिद्दीका का सदका है, हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा का सदका है। नौजवान बच्चियों की शादियां तय हो जाए मौला, उनकी तकमील फरमा दे मौला। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह हम लोगों की दुआओं को कबूल फरमा। तेरे प्यारे महबूब के ये चाहने वाले उस शाह हजरत इमाम उतान सैन के शहदा यार मौला, तो इनकी न सुनेगा तो किसकी सुनेगा मौला। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, इस माह मुहर्रम में फिर मेरे ख्वाजा के छठी की आज रात है मौला। हिंदुस्तानियों के सहारा है मेरे ख्वाजा, मेरे मौला उनके सदके में तेरी बारगाह में ये अर्ज है मौला, हम सबों की दुआएं कबूल कर, हम सबों की दुआएं कबूल कर, हम सबों की दुआएं कबूल कर। आने वाले जो भी परेशान आ रहे मौला सबकी परेशानियों को दूर कर दे मौला, सबकी परेशानियों को दूर कर दे मौला, सबकी मुसीबतें खत्म कर दे मौला, सबको खुशहाली अता फरमा दे मौला, सबके रिश्तों में बरकत दे दे मौला, सबके घरों में रहमत दे दे मौला, सबके कारोबार में तरक्की दे दे मौला, सबके रिश्तों को कुशादा कर दे मौला। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला हम सबों की दुआएं कबूल फरमा ले, हम सबों की दुआएं कबूल फरमा ले, हम सबों की दुआएं कबूल फरमा ले। इस बदमे मोहब्बत के सजाने वाले हमारे ये मेहमान बिरादरान, बदमे मोहब्बत में शामिल होने वाले ये तमाम ही बिरादरान, ऐ मौला, ऐ मौला, ऐ मौला हजरत सैयदना अली असगर नन्हे से छह माह दूध बीचे बच्चे का वसीला है मौला। मौला नन्हे अली असगर का सदका है, सबके आने को कबूल फरमा ले, सबके आने को कबूल फरमा ले, सबके खाली दामन को भर दे मौला, दामन मुराद सबका भर दे मौला, दामन मुराद सबका भर दे मौला, दामन मुराद सबका भर दे मौला। इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जरूरी ऐलान समाज फरमा ले, कुछ ही एक थोड़ा जरूरी ऐलान समाज फरमा ले, जरा खड़े होकर जरा सुन लीजिए। एक जरूरी ऐलान समाज फरमा ले, अभी कुछ महीना पहले एक मुल्क में मस्जिद की तामीर चल रही थी, उस तामीर में गुंबद का काम बाकी था और उस गुंबद के काम में गवर्नमेंट से क्रेन लेनी थी और गवर्नमेंट उसको क्रेन नहीं दे रही थी मस्जिद के तामीर के लिए। और जब वहां के लोगों को मालूम हुआ कि गवर्नमेंट क्रेन नहीं दे रही है और गुंबद लगाना बाकी था, तो लोगों ने अल्लाह का जिक्र शुरू किया और गुंबद खुद ब खुद जाकर जो है उस मस्जिद पे लग गया। इसकी क्लिपिंग मेरे पास मौजूद है और उसी वक्त 1500 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, 1500 लोगों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। यह खबर किसी न्यूज चैनल पर नहीं आती क्योंकि इससे इस्लाम को फायदा होता है और इसीलिए इस मौके पर